फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल ने नौकरियां पक्की करने के लिए गालियां निकाली। फयाज साहब, अगर कानूनी मामला नहीं मालूम तो बोलते क्यों हो? आपकी एक्टिंग देखकर लोग कहते हैं क्या ये है नया पाकिस्तान की तब्दीली? हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी का हुकूमती तर्जुमानों को जवाब, बोली शेर के निशान पर डबल मोहरे लगवाकर वोट मुस्तरद करवाए गए। इमरान खान का हल्का खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। आरटीएस बंद ना होता तो ये जीत का सोच भी नहीं सकते थे। शौकत खानम अस्पताल के लिए जमीन नवाज शरीफ ने दी। पर मुस्तरद वोटों की तादाद जीत के मार्जिन से ज्यादा थी, तो डबल डबल थप्पे लगाए शेर के निशान के ऊपर ताकि ये वोट मुस्तरद करा दिए जाएं। फयाज चौहान साहब जब वो नकली वो स्टेज एक्टरों वाली एक्टिंग करते हैं, तब टीवी पे देखकर कुछ लोग महसूस होते होंगे, लेकिन कुछ लोग सर पे पकड़ बैठ के कहते हैं कि ये है नए पाकिस्तान की तब्दीली। हम जो है, हमें आपसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एटम बम अगर नवाज शरीफ ने हाथ से नहीं बनाया था तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शौकत खानम की ईंटें कासिम और सलमान ने लगाई थी, उसका जो गेट है वो अलीमा बाजी अपने हाथों से जो है वो पाकिस्तान करा रही थी। उस शौकत खानम को जिसकी जमीन दी नवाज शरीफ ने, जिसके लिए 50 करोड़ रुपया मियां शरीफ ने दिया, जिसपे इस पूरी कौम